गाइस, ये जो मेला लगा हुआ है दिव्या काला मेला है 2022। सो गाइस, ये जो एग्जीबिशन है, जो ये मेला है, ये सेकेंड टू सेवेंथ दिसंबर 2022 11 AM टू 8 PM। सो गाइस, ये एंट्री है, इसमें हम एंट्री करेंगे। मेरी बहन ऑलरेडी जा चुकी है अंदर। सो यहाँ पर स्टेट वाइज स्टॉल्स लगे हुए हैं। मैं ये यहाँ से दिखाना शुरू करती हूँ। परफ्यूम से बेसिकली ओके। एंड आपके पास इत्र वगैरह भी मिलता है अवेलेबल है? एंड हाउ मच दिस कॉस्ट इज? 59 रुपीज। ओके। एंड ये कुछ ओरिजिनल होता है, लाइक आप कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो तो? सिंथेटिक ऑयल और एसेंशियल ऑयल मिक्स करके बनते हैं। ओके। एंड कितने टाइम तक इसकी प्रेगनेंस रहती है? 6 to 8 hours। ओके। आप एक बार टेस्ट करा दीजिए। वी हैव 7 डिफरेंट टाइप ऑफ परफ्यूम। ओके। यू कैन पुट योर कार्ड आल्सो। चंदन में भी टू टाइप्स हैं, सैंडलवुड में एक माइल्ड लेयर लिस्टेड ऑन अमेज़न आल्सो। यू सेल दिस ऑन अमेज़न आल्सो? ओके। वेबसाइट आल्सो? ओके। सो गाइस, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ से आप इत्र ले सकते हो। मुझे दो फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आई है, एक सैंडलवुड की और एक रोज की, लाइक वेरी गुड फ्रेग्रेंस। गाइस, दिस इज नेशनल बंजारा एजुकेशन सोसाइटी, ये कर्नाटक से हैंडमेड सब कुछ है। सो बेसिकली ये सारा हैंडमेड है। ओके। स्पेशली बाय पीडब्ल्यूडी पर्सन्स ऑफ द डिसेबिलिटी। ओके ओके। दिव्या कला मेला इस बार दिव्यांग है। आ जाओ। ओके। वो दिव्यांग है, वो अनीता है उनका नाम। ओके। योर नेम इज अनीता? ओके। और ये दिव्यांग है ये भी। ओके। सो एवरीथिंग इज मेड बाय हैंड। And how much do these cost? That is for 1,000 rupees. These are made by these hands. Okay. Hearing impaired students are there. Okay, okay. And these fruit products are made by Anita. Okay, these food products is made by her. Okay. सो अंकल, ये सब हैंडमेड है? हैंडमेड। इवन आप बना भी रहे हो अभी कुछ? हाँ, बना रहा है। ओके। सो ये त्रिपुरा स्टेट से बिलोंग करता है सब कुछ? पूरा। ओके। मैं भी वो आपकी ये भी मिला था, शिल्पगुरु राष्ट्रपति प्राइज भी मिला था।
ओके हाँ जी हाँ जी. सो ये आप जो भी बना रहे हैं शो पीस है. ओके एंड ये जो ट्रे आपने बनाई है तो क्या इस ट्रे में हम कुछ होल्ड तो नहीं कर पाएंगे लाइक ग्लासेस अगर होल्ड करना चाहे हो सकता है. हो सकता है वो ही मास्क है. ये मास्क वाला ये मास्क. ओके ये मास्क भी आपने हैंडमेड बनाया और इस मास्क का प्राइस क्या है. वो 500 रुपये का. 500 का. ओके वो भी रिशा गला का रिशा. ये गला का रिशा. ओके लाइक यहाँ पे आई थिंक स्केच वगैरह बनते हैं. सी द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स. ये लाइक स्केच स्केचिंग है. ये स्केच है लाइक अगर मैं अपना बनवाना चाहूँ तो बन सकता है. हाँ बन जाएगा. लाइक एंड हाउ मच इज द कॉस्ट. 1500 इज द कॉस्ट. ओके तो ये सब आपने अपने हाथों से बनाया हुआ है. नहीं वो किसी और ने बना रखा है. ओके लाइक सो अगर किसी को बनवाना हो तो क्या ऑर्डर देना होगा अभी. हाँ ऑर्डर देना होगा. अगर आप अभी व्हाट्सएप पे फोटो भेजोगे अपनी okay. तो आपको 2 days में मिल जाएगी. 2 days में. ओके एंड डू यू हैव एनी कार्ड. कार्ड में नंबर ले जा लीजिए आप. नंबर आपके यहाँ पर लिखा हुआ है उसके नंबर का okay. भेज देना. व्हाट इज द कॉस्ट. 500. कोई बात नहीं. 500. सो गाइज दिस इज द नंबर. इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप करके अपना फोटो करके भेज सकते हो. ऐसा कुछ स्केच आपको देखने के लिए मिलेगा. लाइक ब्यूटीफुल स्केच मेड. वाओ एक ये बच्चा मिला है. बहुत क्यूट बच्चा है और इसको हम फॉलो कर रहे हैं. हमें ये लड़की लगी थी. लड़का है ये. बीट का गोल्डन ग्लास. ये क्या है. 6 बजे स्टार्ट होगा. ओके तो हम बहुत ज्यादा जल्दी आ गए यहाँ पर. वहाँ आगे कौन बैठे. ओके सो गाइस ये जो है वर्ल्ड धरोहर फेस्टिवल सूफी म्यूजिक एंड लिटरेचर फेस्टिवल है. ये कुछ जो कि आई थिंक 6 PM पर स्टार्ट होगा. सो गाइस यहाँ पे सब खाने का स्टॉल है. आई थिंक ये भी कुछ स्टेट वाइज है जैसे इसमें है अपनो राजस्थान. तो बेसिकली ये वाला राजस्थान से ब्रॉन्ग है. सो गाइस वहाँ जो स्टॉल थी वहाँ पर हमें सारे स्टेट्स की कुछ हैंडक्राफ्ट अवेलेबल हो रहा था और ये सारा जो है आप देख रहे हो यहाँ से वहाँ तक का सब फूड स्टॉल से ये आई थिंक स्टेट वाइज ही है सब कुछ. लेकिन यहाँ पर आई थिंक मैंने अभी तक जितना देखा है सब
रखा था तो सब कुछ यहाँ कवर्ड है। भैया ये दौलत की चाट लेकर क्या दौलत मिल जाती है? बिल्कुल मिलेगी। तो बता दूं मैं कितनी अमीर होने वाली हूँ फिर? एक करोड़ मिलेगा, दो करोड़ मिलेगा, कुछ तो मिलना चाहिए। हम जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा। अच्छा दौलत दो चाट की एक। सो गाइस आप देख सकते हो हम इसके नीचे खड़े हैं और आप जो मैंने बहुत लेट नोटिस किया वो ये चीज करी है। ये जितने भी लाइक लोग शहीद हुए उन सब का नाम लिखा गया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। लाइक ये टॉप तक है, ऊपर तक है ये। टाइम हो गया 4:37 और यहाँ पर आज बहुत रश है आप देख सकते हो, और हमारा अब जाने का टाइम हो गया है। तो गाइस इसके बाद इसके पीछे वॉर मेमोरियल है जो उन्होंने लाइक वहाँ पर कोई खड़े हुए थे सोल्जर्स, तो उन्होंने हमें बताया कि वॉर मेमोरियल रात के वक्त बहुत सुंदर लगता है, लाइक वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज भी होती है और लाइक बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको अटेंड करें या फिर हम जाए, तो शायद फिर कभी मौका लगे। तो आज आप देख सकते हो कि हाँ कितना रश है, लाइक बहुत ज़्यादा रश है। और हम ये जो स्वर्ण धरोहर फेस्टिवल है हम इसको भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो ऑलमोस्ट 7:00 स्टार्ट होगा। सो गाइज हम यहाँ पर अब सब कुछ घूम चुके हैं जो घूमकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमने सब शूट भी कर लिया है। यू विल बी गेटिंग ब्लॉग वंस आई विल रीच एट होम एंड आई एडिट दिस एंटायर वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय सी बाय 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 गाइज बाय सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।